Hello students, today on the death anniversary of Shri Rajiv Gandhi, I am making this video and you all should know about Jawahar Navodaya Vidyalaya. आप लोग सबको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कितना मालूम है, इसके ऊपर मैंने एक क्विज़ भी बनाई है, पर क्विज़ देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें बहुत ध्यान से. तो जवाहर नवोदय विद्यालय, जिनको शॉर्ट फॉर्म JNVs हैं, एक सेंट्रल स्कूल में टैलेंटेड सेंट्रल स्कूल्स हैं जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में. रूरल माने ग्रामीण क्षेत्रों में. और इसको नवोदय विद्यालय समिति रन करती है जो नोएडा में स्थित है. ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में. और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्थापित किया है. JNVs जो है वो फुल्ली रेजिडेंशियल हैं, आवासीय हैं, को एजुकेशनल स्कूल्स हैं, और जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE से एफिलिएशन है न्यू दिल्ली, और ये 6 से 12 तक चलते हैं. तो ये सब चीज़ें आपको बच्चों मालूम होनी चाहिए. इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, उनको हम लेने से पहले एक बार झलकियाँ देखेंगे नवोदय विद्यालय की. तो आप ये देख सकते हैं हॉस्टल्स हैं, कितने सुंदर हॉस्टल बने हुए हैं. ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, ये बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन हैं, ये आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन का टाइम है, ये क्लस्टर मीट्स हैं, ये मॉडल पार्लियामेंट जो हम लोग के यहाँ चलते हैं मॉक पार्लियामेंट्स, ये मेस है, और ये स्काउट गाइड, और ये पेंटिंग, ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग के स्कूलों में लगातार चलती रहती हैं. अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा. ये हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और ये श्री संजय धोत्रे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, और श्री विनायक गर्ग ये हमारे कमिश्नर सर हैं. तो ये सब आपको जानकारी बच्चों बहुत ज़रूरी है होना. और मैं आपको अब ले चलती हूँ ये हेड क्वार्टर की तरफ. ये नोएडा में स्थित है, ये हमारा हेड क्वार्टर है, बहुत ही सुंदर बना है. इसकी लोकेशन भी मैंने नीचे मेंशन कर दी है. नवोदय विद्यालय समिति B5 इंस्टीट्यूशनल एरिया Sector 62 नोएडा उत्तर प्रदेश 201307. अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. जो बजट होता है नवोदय विद्यालय का, एजुकेशन बोर्डिंग और एक्टिविटीज़ का, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों के लिए देती है. 7 साल तक बच्चे नवोदय में रहते हैं. ये JNVs पूरे इंडिया में हैं. अप्रोक्सीमेटली 661 JNVs अभी तक हैं. और ये जो JNVs होते हैं, इसमें हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत ही टॉप पे रहता है, जिसमें पास परसेंटेज 12th क्लास में 98.57 देखा गया और 10th क्लास में 96.62 देखा गया. तो ये एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है जिसके लिए हम लोग पहचाने जाते हैं. एक थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं. आज राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, तो ये आइडिया उन्हीं का था, ये श्रेय उन्हीं को जाता है, इसमें कोई शक नहीं. प्राइम मिनिस्टर थे वो उस समय हमारे देश के, और ये कंसेप्ट था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय खोला जाएगा. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ. और इसका संग ये भी था कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिले उन बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो SC हैं, ST हैं, जिनके पास सुविधाएँ कम है, और उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए स्थापित किया गया. नवोदय विद्यालय समिति का रजिस्ट्रेशन एक सोसाइटी के अंतर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में हुआ है. एज़ पर पॉलिसी गवर्नमेंट की जो है, हर नवोदय एक डिस्ट्रिक्ट में होना जरूरी था, है ना. इसीलिए सबसे पहले नवोदय जो हमारे खुले थे 1885-86 में, एक झज्जर हरियाणा में खुला था और दूसरा अमरावती महाराष्ट्र में खुला था. तो यहाँ से नवोदय की शुरुआत होती है. तो ये हमारा इतिहास है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है कि नवोदय विद्यालय समिति जो नवोदय इसको चलाती है, पूरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ, पहले ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जानी जाती थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है. ठीक है बच्चों, हमारे जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं, और एक एग्जीक्यूटिव समिति में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जिसके चेयरमैन भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ही होते हैं. एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है फंड्स के बारे में, और जो अथॉरिटीज़ हैं कि क्या क्या होगा समिति में, ये सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है. एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंतर्गत 2 सब कमेटीज़ आती हैं, एक फाइनेंस कमेटी और एक एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी. जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है यानी कि जो पूरी कार्यशैली जो बनाती है, उसके हेड होते हैं हमारे कमिश्नर, और उनके जो अंडर में 2 सब कमेटीज़ होती हैं,
उनके डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह सब मिलके करते हैं। तो जो समिति जो है वो 8 रीजनल ऑफिस हैं टोटल, समिति के 8 रीजनल ऑफिस हैं। इनके नाम मैं आगे आपको बताऊंगी, आपको जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ नवोदय विद्यालय के रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। और हर रीजनल ऑफिस का हेड एक डिप्टी कमिश्नर और उनके पास असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, तो जिनको हम DC और AC के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो हर विद्यालय में, फिर हम आते हैं विद्यालय लेवल पे। तो पहले मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी बताई आपको जो हेड लेवल पे है, फिर आपके पास समिति के जो JNVs हैं, हर हेडक्वार्टर्स हैं, रीजनल ऑफिस हैं वहाँ के बताया। अब स्कूल लेवल पे हम आते हैं जहाँ पर एक विद्यालय एडवाइजरी कमेटी होती है जो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग वगैरह को देखती है, और एक विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसको VMC बोलते हैं, जो बजट और एडहॉक टीचर्स और प्रॉपर फंक्शनिंग देखती है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं यानी कि जो DM आजकल DC उनको हम बोलते हैं, वो हमारे एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं विद्यालय लेवल पे, और उनके संग लोकल एजुकेशनिस्ट, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। तो ये विद्यालय, कई कई स्कूलों में विद्यालय कोऑर्डिनेशन कमेटी भी होती है ये सब देखने के लिए। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं जो मैंने आपको बताया था कि 8 रीजनल ऑफिस हैं, वो देखिए भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलांग, और कितने नवोदय हैं उसके बारे में दिया हुआ है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का भी इसमें डिटेल मेंशन है। तो ये आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एडमिशन का प्रोसेस आता है नवोदय में, 6th क्लास में एडमिशन होता है बेसिकली, है ना, जिसके लिए CBSE द्वारा पूरा डिज़ाइन डेवलप कंडक्ट होता है एग्ज़ाम, ये जिसको हम JNVST बोलते हैं, और ये इसमें 80 स्टूडेंट्स को लिया जाता है हर साल, और ये हर नवोदय में एक संग होते हैं एग्ज़ाम्स, कई कई जगहों पे बस अलग होते हैं, और कैंडिडेट सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकता है। इसमें उसको मेंटल एबिलिटी, स्किल और मैथमेटिक्स और रीजनल भाषा, ये तीन चीज़ों पे, चार चीज़ों पे इसका एग्ज़ाम होता है। मेनली तीन ही चीज़ें होती हैं, मेंटल एबिलिटी, स्किल, मैथमेटिक्स और रीजनल भाषा, ठीक है, जैसे हिंदी या इंग्लिश जो भी उसको लेना हो या जो रीजनल भाषा वो लेना चाहे। इसमें भी जो है ये SC ST का रिजर्वेशन होता है, और 75 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रूरल एरिया से होता है, सिर्फ 25% ही शहरी क्षेत्रों से आते हैं, 33% लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है, और 3% डिसेबल्ड कैंडिडेट यानी कि जो विकलांग हैं उनके लिए होता है। तो इसकी, ये सब करने के लिए ये CBSE द्वारा पूरा होता है। इसके अलावा क्लास 9th में भी मेरिट बेस पर लेटरल एग्ज़ाम होता है, लेटरल एडमिशन होते हैं 9th क्लास के लिए, ताकि वो 10th में आ सकें, और 11th क्लास में भी इस तरह से एडमिशन्स का प्रोसेस है। ओके बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अकेडमिक्स जो JNV में होते हैं, तो JNVs जो होती हैं क्लासेस 6 to 12 चलती हैं स्टैंडर्ड के रूप में, और यहाँ पे स्ट्रीम्स साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना, 11th 12th में मिलती हैं, और ये एक्सेलेंस के लिए हम लोग अपने जाने जाते हैं, हम लोग का मेरिट बहुत हाई जाती है, और इसलिए आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय जो है जब भी रिजल्ट आते हैं तो हमेशा टॉप पे रहते हैं, KV और नवोदय यही दो सबसे टॉप पे रहते हैं, कभी KV थोड़ा आगे निकल जाता है, कभी JNV आगे निकल जाते हैं, लेकिन हाइते अमीर। ये एक 3-language फार्मूला है जो नवोदय की एक अलग पहचान है, ये माइग्रेशन इसको बोलते हैं, माइग्रेशन सिस्टम, इसमें 3 language पढ़ाई जाती हैं। तो कैटेगरी ऑफ स्टेट के हिसाब से जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है वहाँ हिंदी ए लैंग्वेज होती है, जो नॉन स्पीकिंग नॉन हिंदी है वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज होती है, और जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के जो हैं पूरे वहाँ पर इंग्लिश होती है, तो बी लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी, और B2 रीजनल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। तो ये बच्चों एक बहुत ही है। अब मैं आपको ले चलती हूँ फीचर्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति, कि नवोदय अपने आप में अलग क्यों हैं, विश्व में ऐसे कहीं भी इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं जिसमें, देखिए आप सबसे पहले नोटेबल एलुमिनी, हमारे जो एलुमिनी हमारे पास आउट हैं उनके बारे में मैं आपको और भी डिटेल बताऊँगी आगे, बहुत ही बहादुर और बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नाम किया है इन्होंने। फिर माइग्रेशन जो एक अपने आप में अद्भुत पॉलिसी है, जहाँ बच्चे को 9th क्लास में हम लोग शिफ्टिंग करते हैं बच्चों की, जो नॉन हिंदी एरियाज़ हैं उनमें बच्चे जाते हैं, तो जैसे कि हमारे जो अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी जो प्रोग्राम चल रहा है, तो वो माइग्रेशन हमारा बिल्कुल फिट बैठता है उसमें, जैसे कि अभी हम लोग का केरल से चलता है, तो केरल से UP के बच्चे केरल में जाते हैं, केरल के यहाँ आते हैं, ऐसे महाराष्ट्र के बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे वहाँ आते हैं, तो इस तरह से कल्चरल सीखते हैं, एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, एक दूसरे का खान पान कैसा है, ये सब चीज़ें वो लोग सीखते हैं। फिर स्मार्ट क्लासेस नवोदय का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा भी किया है, उसके लिए आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में। फिर सोशल एंड कल्चरल लाइफ, सोशल कल्चरल लाइफ नवोदय की बहुत इनरिच्ड होती है, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्काउट गाइड, NCC से लेकर स्पोर्ट्स में,
नेशनल रीजनल, और अब तो बच्चे हमारे आप देखेंगे कि ओलंपिक्स तक में भी जा चुके हैं। तो ये नवोदय का है। और साइंस प्रमोशनल एक्टिविटी, साइंस प्रमोशन को लेकर भी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बच्चे नासा तक जा चुके हैं, रिसर्च लेवल भी चल रहा है। तो बच्चों ये है। और लास्ट में मैं आपको कुछ नोटेबल एलुमनी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। ये सुरेन पुनिया है, इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्समैन है, इनका लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर भी है ये। संजीव महापात्रा है, ये एक सिनेमेटोग्राफर हैं और नेशनल इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के मेंबर हैं। ये सी के विनीत, वी के बलराम एमएलए हैं, है ना, केरला में, इनके बारे में आपने सुना होगा। धनंजय एमएलए हैं ये भी उत्तर प्रदेश में। फिर धीरज सिंह, ये फुटबॉल टीम अंडर 17 के मेंबर हैं। उमेश व्यास जो अभी बहुत चर्चा में रहे पीछे, जिनको कश्मीर में जिनकी शहीद हुए वो, और ललित प्रभाकर एक मराठी एक्टर है। तो बच्चों ये आपको मैंने एक छोटी सी आधी जानकारी नवोदय के बारे में दी। आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।